आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ऐसी केयर टिप्स और फर्टिलाइजरों के बारे में जिससे आपका भी बैंगन का पौधा सर्दियों के मौसम में फलों और फूलों से भर जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव गार्डन टिप्स चैनल पर। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, हमारे इस बैंगन के पौधे पर चारों तरफ से इसी प्रकार से फल आए हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस बैंगन के पौधे पर जो फल आया हुआ है वो हार्वेस्ट करने लायक लगा हुआ है। यदि दोस्तों इसी प्रकार से इस बैंगन के पौधे पर फल आते रहे तो शायद फलों की अनगिनत संख्या हो जाएगी और हमें कभी भी बाज़ार से बैंगन खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले बैंगन के पौधे की केयर के बारे में। बैंगन के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे बैंगन का पौधा फलों और फूलों से भरा रहे। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपने बैंगन के पौधे में 10 से 15 दिन के बाद गुड़ाई ज़रूर कर देनी चाहिए। गुड़ाई करने से होता क्या है कि जो आपके बैंगन के पौधे की रूट्स हैं वह चारों तरफ फैलने लगती हैं और आपका बैंगन का पौधा धीरे धीरे करके ग्रो करने लगता है। और गुड़ाई करने के साथ साथ आप अपने बैंगन के पौधे में साधारण सी चीज़ घरों में यूज होने वाली जिसे हम नमक बोलते हैं, तो आपको 50 ग्राम नमक ही डाल देना है। इससे होता क्या है कि जो आपके बैंगन के पौधे पर जो फल आए हैं वो काफ़ी चमकदार हो जाएंगे और काफ़ी बड़े बड़े साइज के हो जाएंगे। और आप अपने बैंगन के पौधे की गुड़ाई करने के साथ साथ पानी भी यूज कर देना है। पानी आपको उतना ही यूज करना है जिससे आपके बैंगन के पौधे की जो सॉइल है उसमें नमी बनी रहे। यदि आप अपने बैंगन के पौधे में ज़्यादा पानी यूज कर देते हैं तो आपके बैंगन के पौधे पर फंगस लगने के चांस बढ़ जाते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इस बैंगन के पौधे की जो ग्रोथ है वह काफ़ी फास्ट तरीके से चल रही है और इस ग्रोथ के साथ साथ लीफ्स यानी पत्तियाँ निकल रही हैं, उन्हीं के साथ साथ छोटे छोटे फलों का भी निकलना स्टार्ट हो रहा है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं अब हम आ चुके हैं बैंगन के पौधे की रूट्सों की ओर। तो चलिए जल्दी से मैं इस बैंगन के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर देता हूँ। तो गुड़ाई करते समय आपको एक चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है, आप अपने बैंगन के पौधे की ज़्यादा गहरी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि आप अपने बैंगन के पौधे की ज़्यादा गहरी गुड़ाई कर देते हैं तो आपके बैंगन के पौधे की जो रूट्स हैं वह कट सकती हैं और आपका बैंगन का पौधा धीरे धीरे करके सूख सकता है। और दोस्तों आप अपने बैंगन के पौधे की दूर दूर तक गुड़ाई कर देनी है और आपको नज़दीकी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर इस बैंगन के पौधे की गुड़ाई कर करके चारों तरफ से रेडी कर दिया है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं बैंगन के पौधे के फर्टिलाइजर के बारे में। बैंगन के पौधे के लिए फर्टिलाइजर किस प्रकार से बनाना है जिससे बैंगन का पौधा फलों और फूलों से भरा रहे। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर एक बर्तन में 1 लीटर पानी लिया हुआ है और इसे 1 लीटर पानी के साथ साथ जो चीज़ ली है वो मैंने यहाँ पर चाय की पत्ती ली है। इस चाय की पत्ती को मैंने यहाँ पर बिल्कुल प्रेस ली है और इस चाय की पत्ती को 10 ग्राम के लगभग ली है। तो चलिए जल्दी से मैं इस चाय की पत्ती को इस 1 लीटर पानी में डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। और दोस्तों मैंने यहाँ पर जो दूसरी चीज़ ली है उसे भी मैं दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर एक शैम्पू लिया हुआ है, इस शैम्पू को मैंने यहाँ पर क्लेनी प्लस लिया हुआ है और इसको एग वाला लिया हुआ है। तो चलिए जल्दी से मैं इस शैम्पू को भी हाथ की सहायता से कट कर करके इस 1 लीटर पानी में डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर इस शैम्पू को कट कर करके इस 1 लीटर पानी में डाल करके भी तैयार कर दिया है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को इस 1 लीटर पानी में डाल करके भी तैयार कर दिया है। तो चलिए जल्दी से मैं इन दोनों चीज़ों को हाथ की सहायता से या किसी भी सहायता से इस 1 लीटर पानी में घोल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर इस लकड़ी की सहायता से घोलना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों आपको जब तक घोलना है जो इन दोनों चीज़ों को 1 लीटर पानी में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीक़ा से 2 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद घोल करके भी तैयार कर दिया है और जो हमारा फर्टिलाइज़र है वह पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से मैं इस फर्टिलाइज़र को इस बैंगन के पौधे की जो दूर दूर तक गुड़ाई की थी इसमें इस फर्टिलाइज़र को डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर इस बैंगन के पौधे में इस फर्टिलाइज़र को डालना शुरू कर दिया है।
तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इस बैंगन के पौधे की जो दूर दूर तक गुड़ाई की थी इसमें इस फर्टिलाइजर को चारों तरफ डाल करके भी तैयार कर दिया है। तो दोस्तों आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका भी बैंगन का पौधा सर्दियों के मौसम में फलों और फूलों से भर जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।